पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफ़ी मांगने को कहा है। दरअसल नूपुर शर्मा अपने खिलाफ अलग अलग जगह पर दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफ़र कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने बदजुबानी के साथ गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कही बिना ये सोचे कि इसका क्या अंजाम होगा। तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने कहा कि नूपुर ने टेलीविज़न पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की, माफ़ी भी उन्होंने शर्तों के साथ मांगी है, वह तब भी जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था, यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है। आपको बता दें कि नूपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफ़र कराने की मांग की थी। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वे अपने बयान पर माफ़ी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि जब माफ़ी मांगी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ दर्ज मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजाज़त मांगी। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मिनट की सुनवाई के बाद कुल 3 लाइनें में आदेश देकर नूपुर की याचिका का निपटारा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।